जादुई पेंटिंग। बहुत समय पहले की बात है, दूर किसी गांव में एक राम्या नाम की लड़की अपनी मामी करीना के साथ रहती थी। करीना बहुत ही लालची स्वभाव की औरत थी और बहुत ही स्वार्थी औरत थी, जो कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचा करती थी। वहीं राम्या एक संस्कारी और ईमानदार लड़की थी, जो कि दूसरों की मदद किया करती थी और अपनों से बड़ों का आदर किया करती थी और किसी के भी कहे हुए काम को बड़े ही हंसी खुशी से कर दिया करती थी। राम्या को एक शौक था, वो था पेंटिंग करने का। उसे पेंटिंग करना बहुत पसंद था और वो काफी अच्छी पेंटिंग भी किया करती थी, लेकिन अपनी मामी की वजह से वो पेंटिंग नहीं किया करती थी, क्योंकि राम्या के पास रंग नहीं थे और करीना स्वभाव से बहुत ही गुस्से वाली औरत थी। राम्या दिन भर बस घर का काम करती रहती और करीना दिन भर बस आराम ही करती रहती। करीना राम्या को एक ही समय पर खाना दिया करती थी और अगर घर का सारा काम खत्म नहीं होता तो कभी कभी तो खाना ही नहीं देती। बेचारी राम्या को भूखे पेट पानी पीकर सोना पड़ता। राम्या हर रात को सोते वक्त अपनी माँ को याद करती रहती और वो याद करके बहुत रोती। करीना को राम्या पर बिल्कुल भी दया नहीं आती। करीना के पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसे दूसरों की चीजों पर ही ज्यादा नजर रहती, क्योंकि उसके पास जितना था वो उसमें कभी खुश नहीं रहती। वो हर वक्त उससे ज्यादा मांगती रहती, क्योंकि करीना बहुत लालची थी। ऐसे ही बहुत समय बीत जाता है। ऐसे ही रोज की तरह राम्या सुबह सुबह उठकर घर का काम करना शुरू कर देती है। राम्या घर का सारा काम तो कर देती है, लेकिन वो कपड़े धोना भूल जाती है और ये देखकर उसकी मामी गुस्से से उसके पास आती है। ओ महारानी, कपड़े कौन धोएगा? मैं अभी कपड़े धोने जा रही हूँ, मुझे याद ही नहीं रहा। आज कपड़े थोड़े ज्यादा है और जल्दी से उन्हें धोकर दोपहर का खाना भी बना दियो। लेकिन मामी, ज्यादा कपड़े हैं, उन्हें धोने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना? जल्दी जल्दी हाथ चलाएगी तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब जा। और जब राम्या बाथरूम में जाती है तो दो बाल्टी कपड़े रखे हुए थे जो कि बहुत ही गंदे थे और उन्हें धोने में काफी ज्यादा टाइम लगता, इसलिए वो सोचती है, मैं एक काम करती हूँ, मैं अभी इन सारे कपड़ों को सर्फ में डालकर छोड़ देती हूँ और इतनी देर में मैं खाना बना लूंगी और जब खाना बन जाएगा तो मैं कपड़ों को जल्दी जल्दी धो दूंगी। सर्फ में डालने से कपड़े ज्यादा गंदे नहीं रहेंगे और उन्हें धोने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। उसे ये तरकीब सही लगती है। वो जल्दी से उन सारे कपड़ों को सर्फ में डालकर छोड़ देती है और फिर खाना बनाने चली जाती है। आधे घंटे में ही उसका खाना बन जाता है। चलो अब खाना तो बन गया, अब कपड़े धोने हैं, जल्दी से कपड़े धो लेती हूँ वरना फिर से मामी मुझे डांटेगी। और फिर राम्या कपड़े धोने चली जाती है। राम्या ने कपड़ों को सर्फ में भिगो रखे थे, लेकिन फिर भी उसे सारे कपड़े धोने में एक घंटा लग गया। पर अब राम्या का सारा काम खत्म हो गया था। वो कपड़े धोकर उन्हें छत पर सुखाने के लिए चली जाती है और कपड़े सुखाकर अपने कमरे में आ जाती है। लेकिन जब करीना देखती है कि राम्या अपने कमरे में आराम कर रही है तो वो जाती है और कहती है, अच्छा तो ये महारानी आराम कर रही है, मुझे इतनी तेज भूख लग रही है, खाना कौन बनाएगा? लेकिन मामी, मैंने तो खाना बना दिया। अच्छा, इतनी जल्दी कैसे बना दिया? लगता है अभी तूने कपड़े नहीं धोए। नहीं मामी, मैंने कपड़े भी धो दिए और उन्हें छत पर सुखा भी दिए। अरे, इस लड़की ने इतनी जल्दी काम कैसे कर लिया? कोई बात नहीं, कल से और भी ज्यादा काम दूंगी इस लड़की को। अच्छा चल, अब मुझे खाना दे दे। ठीक है मामी, मैं लाती हूँ। फिर राम्या अपनी मामी को खाना दे देती है। अगले दिन राम्या किचन में आती है, तभी वहाँ पर करीना आती है और कहती है, सुन राम्या, मेरी बहन आ रही है तो उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बना दे और जल्दी से बना दे, कहीं आराम करने मत लग जाना, क्योंकि मेरी बहन आती ही होगी। अगर खाने में कोई भी कमी हुई तो तू जानती है ना तेरी कितनी पिटाई होगी, और खबरदार तूने उन खाने में से कुछ भी खा लिया तो। ठीक है मामी, मैं सारा खाना बना दूंगी, लेकिन जब इसमें से थोड़ा खाना बच जाएगा तो क्या आप मुझे दे देंगी?
हाँ ठीक है, अगर खाना बच जाता है तो मैं तुझे दे दूंगी, पर अभी तो काम में लग जा। राम्या खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो सारा खाना बना लेती है। तभी करीना की दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाजे पर करीना की बहन मानवी थी। अरे दीदी खोलो ना, कितना टाइम लगाती हो। हाँ हाँ बाबा बस आ रही हूँ। फिर करीना गेट खोलती है। फिर मानवी अंदर आती है और करीना के गले लग जाती है। इतने दिनों बाद आई है, तुझे याद नहीं आती क्या मेरी। अरे दीदी तुम्हारी याद आई तभी तो मैं यहाँ पर आ गई, वरना मुझे ऑफिस से छुट्टी ही तो नहीं मिल रही थी। बड़ी मुश्किल से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर आई हूँ मैं। अच्छा ठीक है, तू आ गई है मेरे लिए यही बहुत है। अब तू यहाँ पर आराम से और बेफिक्र रह सकती है, तुझे यहाँ पर अब कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अच्छा वैसे तुझे भूख लगी होगी ना। हाँ दीदी मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। ए लड़की अभी तक तूने खाना नहीं बनाया क्या? मेरी बहन आकर तब से बैठी हुई है, मुझे भूख लग रही है, जल्दी खाना लेकर आ। मामी बस ला रही हूँ। फिर राम्या अच्छे अच्छे पकवान लेकर आती है। ये ले पेट भर कर खा ले। अरे खाने की खुशबू तो काफी अच्छी आ रही है, मैं भी तो देखूं खाकर कैसा बना है खाना। जब मानवी खाना खाती है तो उसे राम्या के हाथ का खाना बहुत पसंद आता है। अरे वाह दीदी खाना तो बहुत अच्छा बनाया है इसने। मानवी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर राम्या खुश हो जाती है। अरे तू खड़ी खड़ी क्या सुन रही है, जा काम में लग जा। राम्या चली जाती है। जब तक मानवी और करीना बात करते करते खा रहे होते हैं, उतनी देर में राम्या किचन का सारा काम कर लेती है। थोड़ी देर बाद वो करीना के पास आकर कहती है, मामी मैंने काम तो सारा कर दिया, अब मुझे भूख लग रही है, खाना दे दो। अरे मैंने तुझे बोला था ना जब खाना बच जाएगा तो दे दूंगी, तुझे दिखाई नहीं देता, अभी मेरी बहन खाना खा रही है, अगर किचन में कोई सूखी रोटी है तो जाकर खा ले। और करीना ऐसा बोलकर राम्या को वहाँ से भगा देती है। राम्या बेचारी क्या करती, वो भी उदास मन से अपने कमरे में आकर बैठ जाती है और अपनी माँ को याद करने लगती है। माँ देख रही हो ना कितना अत्याचार हो रहा है, मामी मुझे खाने को भी नहीं देती है, और अगर मैं उनको कुछ भी कह दूं तो वो मुझे डांट कर भगा देती है। ऐसा सोचकर राम्या बहुत उदास होती है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। राम्या को भूख लग रही होती है लेकिन घर में खाने को कुछ भी नहीं था, और फिर से वो पानी पीकर सो जाती है। राम्या सो ही रही होती है कि तभी उसे एक सपना आता है। उस सपने में राम्या की माँ आती है और कहती है, बेटी कैसी है तू। अरे माँ आप मुझसे बात कर सकती हैं, और मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मामी तो मुझे खाने को भी नहीं देती, आज मैं उनके पास खाना मांगने को गई तो उन्होंने मुझे वहाँ से भगा दिया, जबकि उन्होंने मुझसे घर का इतना काम करवाया और ऊपर से बहुत सारा खाना भी बनवाए। अगर आप होती तो आप मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करती, और मुझे पेंटिंग करने का कितना शौक है, अगर आप होती तो आप मुझे रंग लाकर देती, मुझे समय पर खाना देती, पर आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई। बेटी मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, मुझे पता है करीना तुम पर बहुत अत्याचार कर रही है, मेरे पास इसका तरकीब है। तुम जब सुबह उठोगी तो तुम्हारे पास एक पेंटिंग बोर्ड होगा और साथ ही कुछ रंग भी होंगे, और वो कोई साधारण पेंटिंग बोर्ड नहीं होगा, वो एक जादुई पेंटिंग बोर्ड होगा, उस पर तुम जो भी बनाओगी वो तुम्हें मिल जाएगा। क्या जादुई पेंटिंग, और मैं उस पर जिस भी चीज की पेंटिंग करूँगी वो मुझे मिल जाएगा। हाँ तुम सही कह रही हो, वो तुम्हें मिल जाएगा। अपनी माँ की ये बातें सुनकर राम्या बहुत खुश होती है, और जब सुबह उठती है तो वो देखती है कि सच में उसके टेबल पर एक पेंटिंग बोर्ड रखा है और साथ ही कुछ अच्छे रंग भी रखे हैं। ये देखकर वो बहुत खुश होती है लेकिन उसे छुपा देती है। तभी वहाँ पर करीना आती है और कहती है, इतनी देर से आवाज लगा रही हूँ, आज मेरी बहन जाने वाली है, उसको चाय नाश्ता दे दे और जल्दी आ जा। फिर राम्या जाती है और दोनों के लिए चाय नाश्ता बनाती है और उन दोनों को दे देती है।
थोड़ी देर बाद मानवी के जाने का समय होता है। अच्छा दीदी, तो मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है, तू भी अपना ख्याल रखना और अगली बार ज्यादा दिनों की छुट्टी लेकर आना। हाँ बाबा, ठीक है। मानवी के जाने के बाद करीना अपने कमरे में जाती है और आराम करने लगती है। उसी बीच राम्या भी अपने कमरे में जाती है और उस पेंटिंग बोर्ड पर एक फ्रॉक की पेंटिंग बनाती है। तभी उसके पास एक अच्छी सी सुंदर फ्रॉक आ जाती है। फिर वो उस पेंटिंग बोर्ड पर खाने की चीजें बनाती है और वहाँ पर खाने का ढेर लग जाता है। राम्या बहुत खुश होती है। वो खाना खाकर घर के कामों में लग जाती है। काम करके वो उस जादुई फ्रॉक को पहन लेती है। वो फ्रॉक राम्या पर काफी अच्छी लग रही थी, लेकिन जब करीना उस फ्रॉक को देखती है तो वो कहती है, अरे तू ये फ्रॉक कहाँ से लाई है? अरे मामी, ये तो बहुत पहले मुझे माँ ने दिलाई थी, उन्हीं की एक निशानी है मेरे पास, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं इसे पहन लूँ। महीने भी नहीं हुए इसके माँ को गई हुए और बस पूरा दिन अपनी माँ की माला जपती रहती है। उस दिन से राम्या ने उस जादुई पेंटिंग से काफी चीजें मांगी और वो बहुत ही खुश थी। लेकिन करीना को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके पास इतने नए नए कपड़े कैसे आए और वो अब कभी उससे खाना भी नहीं मांगती। ये पता लगाने के लिए करीना राम्या के कमरे में जाती है। उस वक्त राम्या अपने कमरे में नहीं थी क्योंकि वो किचन की सफाई कर रही थी। बहुत ढूंढने के बाद करीना को एक पेंटिंग बोर्ड दिखता है। ये किसने दिया है तुझे, जल्दी बता दे। ये मुझे मेरी स्वर्गवासी माँ ने दिया है। क्या, वो मरी हुई माँ ने तुझे ये दिया है? पागल हो गई है क्या? नहीं मामी, मैं सच कह रही हूँ। और ये कोई मामूली पेंटिंग बोर्ड नहीं है, ये एक जादुई पेंटिंग बोर्ड है। करीना राम्या की पूरी बात नहीं सुनती और तुरंत ही उस पेंटिंग बोर्ड को जला देती है। वो उस पेंटिंग बोर्ड को जलाने ही वाली थी कि तभी उसके हाथ में आग लग जाती है और हाथ में आग लगने की वजह से उसके पूरे शरीर में आग लग जाती है, जिससे उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। मामी मामी उठो ना, क्या हो गया आपको? करीना को तो उसकी गलती की सजा मिल ही चुकी थी। राम्या को भी अब समझ आ जाता है कि ये सब जो भी हुआ है उसके मामी की लालच के चलते ही हुआ है, जिसके बाद वो उस जादुई पेंटिंग के साथ खुशी से रहने लगती है।